हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है इंडियन एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पीडीएफ की सहायता से कि आपको किस तरीके से अपना जो एडमिट कार्ड है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में पीडीएफ लेकर के आया हूँ, राइट। एक कॉम्पोजिशन है वीडियो पीडीएफ का, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से अपने एडमिट को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, इग्नू का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है, या फिर हॉल टिकट, आप एडमिट कार्ड कहो या फिर हॉल टिकट कहो, दोनों सेम है। तो जो हॉल टिकट है उसको रिलीज़ कर दिया गया है। आप किसी भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, राइट, चाहे वो बीकॉम की आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हो या फिर बीए बीएससी किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो, उन सब का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। आपको इग्नू के वेबसाइट पर जा करके अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और जो प्रोग्राम कोड है वो डालना है, उसके बाद फिर आप डाल पाओगे जो अपना हॉल टिकट है उसको आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था, मैं आपको अब लेक्चर में दिखा देता हूँ पीडीएफ के माध्यम से कि किस तरीके से आप अपने जो हॉल टिकट है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट इग्नू एडमिट कार्ड। तो अब जैसे ही यहाँ पे गूगल को सबसे पहले आपने खोलना है, अब जैसे ही गूगल एप्लीकेशन को खोलोगे, गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है, आप जैसे ही उसको खोलोगे तो वहाँ पे देखना, आप टाइप करना जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आपने टाइप करना है इग्नू एडमिट कार्ड, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। आप जैसे ही इसको टाइप करोगे, करने के बाद देखना आपको क्लिक करना है, राइट, एंटर करना है। आप जैसे ही एंटर करोगे देखना ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पेज जैसे ही खुलेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हॉल टिकट स्लैश एडमिट कार्ड इग्नू, है ना। वेबसाइट आप चेक कर लेना, www.ignou.ac.in, ये इग्नू का अपना वेबसाइट है, इग्नू का जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो है। किसी और वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये इग्नू का अपना है और ऑथेंटिक है, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो अगला पेज जो है खुलेगा, वो ये पेज खुलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको इग्नू के बारे में बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है, वहाँ देखना लिखा हुआ रहेगा हॉल टिकट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2019, ठीक है ना, जून 2019। तो ये ऑप्शन जो सबसे पहला ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे एक और पेज खुल जाएगा, उस पेज में अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको, ये वाला पेज, ठीक है ना। तो इस पेज में देखो दो ऑप्शंस आपको डालने के लिए दिए गए हैं, सबसे पहला एंटर 9 डिजिट एनरोलमेंट नंबर, तो 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होता है, आपने जब एडमिशन करवाया होगा तो फिर आपको एनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा, ठीक है। तो उस एनरोलमेंट नंबर को आपने यहाँ पर डालना है, ये जो सर्च बॉक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे डालने के बाद देखो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन है, तो वहाँ पे सेलेक्ट वाला जो बटन है, आप जैसे उसको क्लिक करोगे वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। तो जिस भी कोर्स को आप कर रहे हो, जिस भी प्रोग्राम को आप कर रहे हो, चाहे वो एम कॉम हो, बी कॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आपको उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करोगे आपका जो पेज है, आपका जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड हो जाएगा। हॉल टिकट कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ये चूँकि एम कॉम का एक स्पेसिमिन कॉपी है, तो यहाँ देखो एम कॉम का डिटेल्स है, राइट। तो आप जो है, जैसे यहाँ एम कॉम लिखा हुआ है, तो आप जिस कोर्स का डालोगे वो फिर वहाँ से उसका निकल जाएगा जो भी हो। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। आप एडमिट कार्ड में चेक कर लेना कौन सा कोर्स कोड आपका है, एग्जाम डेट, सेशन आप चेक कर सकते हो। उसके बाद सेशन देखो, दो सेशन बनाया गया है, मॉर्निंग और आफ्टरनून, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये दो सेशन आप चेक कर लेना और डेट्स ध्यान में रख करके आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि एग्जामिनी मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ वैलिड इग्नू आईडी कार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड शुड नॉट कैरी मोबाइल फोन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि इसमें जो इग्नू का आईडी कार्ड है वो आपको कैरी करना है एडमिट कार्ड के साथ। बिना इग्नू आईडी कार्ड के आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। अगर आपका एडमिट का अगर आपके पास आईडी कार्ड है और उसके ऊपर अगर रीजनल सेंटर का को जो स्टैम्प होता है वो अगर नहीं है तो भी आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने वैलिड जो इग्नू आईडी कार्ड है जिस पे रीजनल सेंटर का एक तरीके का स्टैम्प होता है, ठीक है ना, उसको आपने लेके जाना है। उसके साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, ये दो चीज़ें आपको लेके जाना ही है, तो ही आप एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ किए जाओगे, अदरवाइज़ नहीं किए जाओगे। उसके अलावा देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, हालांकि इतना रिजिड रूप में वो लोग चेकिंग नहीं करते हैं, पर चूँकि एडमिट में ये बात लिखी हुई है तो आप अगर नहीं लेकर के जाओगे तो भी ज़्यादा बेहतर होगी, या फिर अगर आप लेकर के जाते हो तो फिर आप उसे कहीं और रख देना, अपने बैग में रख देना या फिर कहीं भी रख देना, बट हॉल में कोशिश करना कि ना लेकर के बैठो, क्योंकि अगर हॉल में लेकर के बैठोगे तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कैलकुलेटर्स आर अलाउड फॉर यूज इन एग्जामिनेशन अनलेस अदरवाइज
प्रोवाइडेड थ्रू इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर. देखो आप चाहो तो कैलकुलेटर लेकर के जा सकते हो. अब देखो हम जो एमकॉम का जो पेपर होने वाला है राइट, उसमें बहुत सारे सम्स भी रहेंगे, प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर लेकर के जाना पड़ेगा. तो आप कैलकुलेटर लेकर के जाना. अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा कि आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर उस केस में आप एडमिट उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. उसके बाद देखो ईच डे टाइमिंग ऑफ सेशन आर एज अंडर. देखो दो सेशन में मैंने आपको बताया एग्जाम हो रहा है. सबसे पहला मॉर्निंग में होगा 10 से 1 बजे तक, फिर होगा आफ्टरनून सेशन में 2 से 5. तो एमकॉम के सारे पेपर जो हैं वो ज़्यादातर आफ्टरनून सेशन में ही होते हैं. तो 2 से 5 आपका एग्जाम होगा. आप कम से कम 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन का जो सेंटर है आपका वहाँ आपको पहुँच जाना है, ताकि आपको किसी की तरह की कोई दिक्कत ना हो. बिकॉज आपको रूम भी चेक करना होगा कि कहाँ आपने बैठ करके एग्जाम देना है, राइट? तो ये आप कर लेना. चौथा पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया, द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम ऑफ अ पर्टिकुलर पेपर विल बी इंडिकेटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है? देखो जनरली जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है, पर कुछ कुछ पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम जो होता है वो होता है, राइट? तो उस केस में आपको जो है अपना क्वेश्चन पेपर के ऊपर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा गया है. अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है कि 3 घंटे का एग्जाम है तो फिर आपको 3 घंटे का देना है ना. 3 घंटे से पहले मत उठ जाना, नहीं तो फिर नंबर अच्छा नहीं आएगा आपका. 3 घंटे तक जितना आपको आंसर आता है आप सब लिखो, जो नहीं आता है उसमें भी सोच समझ करके जितना बना करके आप लिख सकते हो लिखो. बिकॉज आपको पेज भरना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके ज़्यादा होंगे इग्नू में मार्क्स आपको उतना ज़्यादा मिलेगा. और हाँ, अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ राइट, तो आपको जो है मार्क्स और भी अच्छा मिल सकता है. तो आपको स्टडी करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए. हमारे चैनल पर मल्टीपल वीडियोज़ हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ से स्टडी कीजिए. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में हूबहू एकदम आ जाते हैं, ठीक है? हमारे चैनल का ये एक्सपीरियंस रहा है. लास्ट ईयर भी जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे राइट, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए थे, राइट? तो आपको हमारे चैनल के सारे वीडियोस को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा. अच्छा, पांचवा पॉइंट जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस के लिए है, जैसे कि BCA, MCA, ब्लिस, है ना, PGDST, है ना? तो अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए है. तो जो लोग जो बच्चे इन पेपर्स की एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, आपको नीचे की जो 4 जो पॉइंट्स हैं आपको उसको देख लेना है, ठीक है? ताकि आपको दिक्कत ना हो. फिलहाल जो एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि हमारा चैनल बिल्कुल एमकॉम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, तो पहला 4 पॉइंट अगर आप करके जाओगे एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू आर नॉट गोना गेट एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, राइट? तो ये 4 पॉइंट्स काफ़ी हैं. तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया कि PDF के माध्यम से कि आप किस तरीके से आप इग्नू गूगल पे सर्च करके आप अपने एडमिट को डाउनलोड कर सकते हो. काफ़ी आसान सी विधि है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं आती होगी या थोड़े से असहज महसूस करते होंगे इसको करने में. ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? आप इसको देख करके थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है. और अगर आपको प्रैक्टिकल वे में देखना है टाइप करते हुए कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए. उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है. ये मैंने PDF के फॉर्म में आपको दिखा दिया, ठीक है? तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था. इस लेक्चर को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ. आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन.